नमस्ते बेटे, हमारे साथ डॉक्टर बलराज सिंह डिपार्टमेंट ऑफ ग्रुप फैकल्टी ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेस जयोति विद्यापीठ हिंदू से टीचर। जो आज का जो टॉपिक है हमारा अगुरु नाम से है, ठीक है। आप लोगों ने इसको अपने अर्बल गार्डन में नहीं देखा है, अवेलेबल नहीं है अपने अर्बल गार्डन में, ठीक है। तो इसका अपन थर्टिकल क्वेश्चन दे देते हैं। जब भी कभी टूर बनेगा तो हम कोशिश करेंगे कि इसको भी देखा जाए, ठीक है। तो अगरो जो प्लांट है इसका बॉटनिकल नाम एग्रोलेरियम, ठीक है। आपको ये याद रखना है, एग्रोलेरियम एग्रोलेरियम और थाइमेलिसी थाइमेलिसी बोलते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये दोनों चीजें याद रखनी है। अगुरु कुल ही है, हिंदी में याद करना मतलब अगुरु कुल। क्लासिकल रेफरेंस रहेंगे इसका श्री कृष्ण, ठीक है। काफी उष्ण है ये प्लांट, तो श्री कृष्ण ने इसको चरक में रखा है। स्वासार के अंदर रखा, सिरो विरे चंद्र तिरस्कार के अंदर। तो आपको ये ध्यान रखना है, श्री कृष्ण में आएगा स्वासार के अंदर और सिरो विरे चंद्र के अंदर, इन तीनों के अंदर इसको चरक में रखा है, तीनों मार्गशीर्ष में। और जो स्कंद है अपने रसों के आधार पर होता है, उसमें तिरस्कार के अंदर इसको स्थान दिया है। फिर सुश्रुत की बात करें तो सुश्रुत ने जो 37 गण बताया उसके अंदर अलादि गण और सहस्रारादि गण के अंदर, इन दोनों गणों के अंदर सुश्रुत ने अगुरु को रखा है या स्थान दिया है, ठीक है। अब भाव प्रकाश इसके बारे में क्या कहना है। अयगुरु प्रवहम लोहम राजा रे योगजम तथा वंशिकम कृमीजम वापि कृमी जगदम अनारिकम अगुरु उष्णम कटु त्वचम तिक्तम तीक्ष्णम पितलम लघु कर्ण अक्षी रोगग्नम शीतवात कपनम कृष्णम गुणाधिकम ततु लोहोद्वारो मच्छति अयगुरु भुवम स्नेहम कृष्ण अयगुरु समम स्मरतम, ठीक है। इसी को अपन इस मोनोग्राफ के अंदर एलाबोरेट करेंगे, भाव प्रकाश के लिए रेफरेंस लगातार लिए हुए, ठीक है। सिनोनिम्स हैं, जैसे पहला जो इसकी लाइन है इसमें सारे इन्होंने सिनोनिम्स दिए थे, उनको यहाँ देखते हैं। अयगुरु इसका क्लासिकल नेम ही है संस्कृत नेम है। उसके बाद लोहो, ठीक है, लोहम या लोह हैवी वुड होने की वजह से इसे लोहो का संज्ञा दी गई है, सुलभ की उपमा दी गई है। फिर कृमीजा या कृमीजन डबल अफेक्टेड है पंगई या वॉर्म्स, ठीक है। तो पंगई की वजह से अफेक्टेड होता है, इसलिए इसे कृमीजन या कृमीजा कहा जाता है। फिर है प्रवरम, एक्सीलेंट एरोमेटिक सब्सटेंस, ठीक है। इसलिए इतने भी इत्र वगैरह बनते हैं ज्यादातर, जो अच्छे इत्र होते हैं, जो क्वालिटी वाले इत्र होते हैं, उनके अंदर इस वुड का यूज होता है, इसलिए इसे प्रवरम कहा जाता है। एक्सीलेंट एरोमेटिक सब्सटेंस है, इसलिए इसे प्रवरम भी कहा जाता है। राजा रहम डिजायर्ड वैल्यू, ठीक है। तो जो राजा के सुरसज्जा के सामान होते हैं, ठीक है, जो इत्र वगैरह बनते हैं वो इससे बनते हैं, इसलिए राजा या राजा रहम इसको कहा जाता है। वंशिकम योगजम शीत शंशा, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक शीत के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। फिर अलॉय वुड या ईगल वुड हैबिट देखें इसकी, तो एस्टर्न हिमालय आसाम एंड अदर हिली रीजन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। ये इसका हैबिट है और हैबिट हैबिटेट था और हैबिट में स्वरूप रहता है, लार्ज ट्री और एवरग्रीन ट्री है, बड़ा पेड़ है, ठीक है, हमेशा हरा भरा रहता है। लीव्स लैंसुलेट और ओवोलेट ऑब्लॉन्ग होती है। फ्लावर्स इसके वाइट कलर इन क्लस्टर फॉर्म होते हैं। फ्रूट इसके ओवेट या क्यूनेट और येलो प्रॉपर्टीज देखते हैं इसका। सबसे पहले रस देखते हैं अपन, तो तिक्त और कटु इसका रस है। कटु तिक्त या अपन ने देखा था कि तिक्त इसका भी कितना रखा है, तो प्रधान रस तिक्त और कटु रस भी इसके अंदर होता है। गुड़ इसके लघु वृक्ष और तीक्ष्ण है, गुड़ इसके लघु वृक्ष है और तीक्ष्ण है। वीर्य इसका उष्ण है, चेत प्रश्न में रखा, चेत प्रश्न महाकाशाय में, तो इसका वीर्य उष्ण ही रहेगा। विपाक इसका कटु है, दोष कर्मता कफवात शामक रहेगी, दोष कर्मता इसकी कफवात शामक रहेगी। पारमक लक्षण देखें इसके, तो त्वच एंड त्वच है और शीत संचमन है और सुगंधी है और उत्तेजक है, ठीक है। दीज आर फार्माकोलॉजिकल एक्शन, ठीक है। और कर्म देखे हैं इसके, तो चरक मेंशंस अगुरु एज शीत हर प्रलेप, ठीक है। जहाँ भी शीतल ज्वर या शीत से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी वहाँ पे इसको शीत हर प्रलेप के रूप में, इसका प्रलेप के रूप में प्रयोग चरक मेंशन करते हैं। सुश्रुत मेंशन इट इज इन ट्रीटमेंट ऑफ दुष्ट वात दुष्ट वर्ण शोधन एंड कफज रोग कृमि एंड कुष्ठ रोग, ठीक है। दुष्ट वर्ण हो जाते हैं, ठीक है, जो हील नहीं होते हैं या जिनके साथ कॉम्प्लिकेटेड अल्सर्स होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड वुंड्स बन जाते हैं, उनके अंदर सुश्रुत इसको मेंशन करता है ट्रीटमेंट के अंदर।
पुष्ट वंशोधन के अंदर कफज रोग है, उनके अंदर भी इसको शुष्मोच्चन करता है, कमीज कमियों के अंदर और कुछ स्किन डिजीजेज है वहाँ पे शुष्क इसको मेंशन करता है कि आप इसका प्रयोग वहाँ पे किया कर सकते हैं। इन फीवर वी कैन यूज द फंट ऑफ अर्गुन, इट रिलीव फ्रॉम एग्जॉशन एंड थर्स्ट। ठीक है, जहाँ उष्णता की मात्रा अत्यधिक हो जाती है जो के अंदर, ठीक है, बहुत ज्यादा तृष्णा वाली स्थिति हो जाती है, ठीक है, वहां पे इसका फांट फांट का प्रयोग किया जा सकता है। अब फांट कैसे बनाया जाता है, थोड़ा सा गर्म पानी लेते हैं, ठीक है, उसके चार गुना द्रव्य से चार गुना पानी लेंगे, उसके अंदर ये द्रव्य डाल के रात भर इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे, सुबह इसको अच्छे से रगड़ मसल के छान लेंगे और उस पानी का प्रयोग जो एग्जॉस्ट है थ्रस्ट से और फीवर से, ठीक है, तो उसको ये पानी पिलाएंगे, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, तृष्णा का शामक होगा। स्किन डिजीज वी अप्लाई द तेल ऑफ अगरु एक्सटर्नली इन वात रोग, इट कैन बी गिवन इंटरनली, इट अप्लाइड एक्सटर्नली। द स्किन डिजीज वी अप्लाई द तेल ऑफ अगरु एक्सटर्नली इन वात रोग कैन बी इंटरनली अप्लाइड एक्सटर्नली। ठीक है, स्किन डिजीज में जैसे कुछ टर्म के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है, और जो वात रोग है, ठीक है, उसके अंदर इसका इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों प्रयोग आप कर सकते हैं। अब इसकी डोजेस देखें तो चूर्ण है वो लगभग 1 से 2 ग्राम की मात्रा में आप इसका प्रयोग करवा सकते हैं। ऑयल है वो 1 to 2 ड्रॉप्स आप इसकी यूज कर लें। फॉर्मुलेशन है औषधियों अग्रवादी तेल, ठीक है, अग्रवादी तेल इजीली मिल जाता है मार्केट में, आप उसका प्रिस्क्राइब कर सकते हैं अपने पेशेंट्स के लिए। ठीक है, तो अब हम आते हैं सेकेंड चैप्टर के ऊपर। तो फर्स्ट इज एग्रो एंड सेकेंड इज अग्नि। अग्निमंथ का जो बॉटनिकल नेम है वो है प्रेमना म्यूक्रोनेटा। ठीक है, प्रेमना म्यूक्रोनेटा आपको याद रखना है, और वर्बिनेसी फैमिली मरविंदी कुल का ये प्लांट है। ठीक है, प्रेमना म्यूक्रोनेटा मरविंदी कुल का प्लांट है। क्लासिकल कैटेगराइजेशन देखें तो चरक इसको शोथ है, शीत प्रशमन और अनुवासनों पर, ठीक है, शोथ है शीत प्रशमन और अनुवासनों पर के अंदर रखते हैं। ये तीनों महाकाशाएं आपको याद रखनी है, शोथर महाकाशा, शीत प्रशमन महाकाशा और अनुवास महाकाशा। जैसे अग्रु को भी शीत प्रशमन में रखा था, इसको भी अग्निमंत्र को भी शीत प्रशमन में रखा है। तो शोथर महाकाशा है, शीत प्रशमन महाकाशा है और अनुवास महाकाशा। सुश्रुत है इसको व्रत पंचमूल के अंदर, अग्निमंत्र को व्रत पंचमूल के अंदर रखते हैं, वात षष्ठमन के में रखते हैं, और वीरतवार भी और वारुणा भी इन दोनों गण के अंदर रखते हैं। ठीक है, तो सुश्रुत कौन कौन से गण में रखते हैं, व्रत पंचम में रखते हैं, वात संचमन गण के अंदर रखते हैं, वीरवादी गण के अंदर रखते हैं और वरुणादि गण के अंदर रखते हैं। ठीक है, उसके बाद भाव प्रकाश की यहाँ रेफरेंस मेंशन किया है, अग्नि मंतो जय सह श्याणी गणी कारिका जया जयंती तरकारी नादरी वैजयंती। अग्नि मंत है श्वेतु दीर्यो उष्ण है कफ वात रथ पांडु कटुस तिक्त स्तोरो मधुरोगी। ठीक है, ये रेफरेंस भाव प्रकाश का यहाँ मेंशन किया, इसी को एलिब्रेट करते हुए अपन देखते हैं इसको कि सबसे पहले इसके सिनोनिम्स हैं वो इन्होंने लिखे हैं, अग्निमंत्र द स्टिक वर यूज्ड टू प्रोड्यूस फायर। पुराने जमाने में जब मैचेस स्टिक्स वगैरह या लाइटर्स वगैरह जब नहीं थे तो लोग इसकी जो लकड़ियाँ थी या डंडे थे उनका प्रयोग अग्नि को प्रज्वलित करने में करते थे, आग जलाने के लिए। इसको एक अग्नि की बात है, इसको रगड़ा जाता था जिससे आग निकलती थी और उसी से आग को जलाया जाता था। फिर इसके अलावा इसका जय भी नाम है श्रीफल। ठीक है, इसकी जो लीव्स आती है वो काफी ब्यूटीफुल लीव्स होती है, इसलिए इसे श्रीफल नाम से कहा जाता है। फिर है गणकारिका ग्रेगेरियस इन नेचर। ठीक है, ये ग्रेगेरियस होती है नेचर, एक एक दो प्लांट हम लगाते हैं फिर ये अपने आप इसका बहुत सारा झुंड या बहुत सारी मात्रा में ये प्लांट हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही वाताग्नि है अरणी, अरणी भी इसे भी कहा जाता है। तरकारी एंड वैजयंती का भेदा, ठीक है, इसके भेद हैं, वेराइटीज हैं। भाव प्रकाश निघंटु तो इसकी एक ही मानते हैं, पर दूसरे जो निघंटु है वो दो मानते हैं, एक लघु अग्निमंत्र मानते हैं और एक वृद्ध अग्निमंत्र मानते हैं। वृद्ध अग्निमंत्र वो प्रेमना इंटीग्री फोलियो है और लघु अग्निमंत्र क्लियोडेंड्रम क्लेमाइडिस। ठीक है, स्टैंडर्ड नोमेनक्लेचर ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिनल प्लांट CCRS न्यू दिल्ली 99 प्रेमना सेरेटोफोलिया हैज टू बी टेकन एज फॉर अग्निमंत्र। ठीक है, प्रेमना सेरेटोफोलिया जो CCRS ने जो एडिशन निकाला है इसमें स्टैंडर्ड नोमेनक्लेचर ऑफ
आयुर्वेद उसमें वो ही कहते हैं कि हमें अग्निमंत्र के रूप में प्रेम में सेरेटोफोलिया को यूज करना चाहिए। अब इसमें जो लघु अग्निमंत्र डिस्ट्रीब्यूटेड मोस्टली ड्राइड पार्ट ऑफ इंडिया, इट इज श्रब और स्मॉल ट्री एंड वृद्ध अग्नि कॉमनली ग्रोज ऑन रिवर बेंस, इट इज ए श्रब ट्री अप टू 10 मीटर ऑफ हाइट। ठीक है, तो लघु अग्निमंत्र और वृद्ध अग्निमंत्र इन दोनों का है कि लघु अग्निमंत्र है डिस्ट्रीब्यूटेड मोस्टली ड्रायर पार्ट ऑफ इंडिया, ड्रायर पार्ट है वहां पे लगता है, इट इज ए श्रब और स्मॉल ट्री। ठीक है, या तो ये श्रब के रूप में मिलेगा या स्मॉल ट्री के रूप में मिलेगा। वृद्ध अग्निमंत्र है कॉमनली ग्रोज ऑन रिवर बैंक्स, जो नदियां हैं उनके किनारों पे ये मिलता है, इट इज ए श्रब ट्री अप टू 10 मीटर ऑफ हाइट। ठीक है, 10 मीटर तक की हाइट पे ये वृद्ध अग्निमंत्र आपको मिल जाएगा देखने के लिए। प्रॉपर्टीज एंड एक्शंस देखें हम इसके, तो निघंटू रत्नाकर सैंड बोथ वैरायटीज हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। ठीक है, दोनों है लघु अग्निमंत्र और वृद्ध अग्निमंत्र, तो निघंटू रत्नाकर वो कहते हैं कि दोनों के अंदर लगभग सेम प्रॉपर्टीज मिलती है, दैट लघु अग्निमंत्र स्पेशली यूजफुल एज लेप उपना एंड शोर। जो लघु अग्निमंत्र है आप उसका प्रयोग कहाँ करवाएंगे, लेप में उपनाह में और शोध के अंदर, लेप में बांध सकते हैं, उपनाह पोल्टिस बांध सकते हैं, शोध के अंदर इसका प्रयोग कराना है। ठीक है, तो रस कटु तिक्त कषाय इसका रस है। ठीक है, रस भी ध्यान रखना है, कटु तिक्त कषाय है, गण इसका लघु और उष्ण है, वीर्य इसका उष्ण रहेगा एंड विपाक इसका कटु रहेगा, रस इसका कटु तिक्त कषाय। ठीक है, गुण इसका लघु रुक्ष, वीर्य इसका उष्ण है, हमने शीत प्रश्न में रखा है इसको, शीत प्रश्न वाले विषय में, शीत प्रश्न वाले विषय में, इसलिए इसका वीर्य क्या है, उष्ण है, विपाक इसका कटु है, और दोष कम तो देखें तो बात का क्षमा ये रहेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि उष्ण है। ठीक है, फार्मेकोलॉजिकल एक्शन देखें तो शोथक, ठीक है, हम इसका लेप और उपनाहा ये यूज कर रहे हैं, तो शोथ के यहाँ पर हम एक्सटर्नली भी यूज कर सकते हैं, और वृद्ध पंचमूल में है, वृद्ध पंचमूल में भी इसका है कंटेंट। ठीक है, तो शीत और कफवात हरे उष्ण होने की वजह, और अग्निमंदिर ठीक है उसके अंदर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं दीपन के लिए, एंड आम विबंध नाशक है। ठीक है, आम की वजह से विबंध उत्पन्न हो जाता है उसका भी ये नाशक है, और अष्टक नाशक है, अष्ट रोग में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। फिर थेरापेटिक यूजेस देखें इसके, तो सिट्स बाथ इन क्वाथ ऑफ अग्निमंत्र इन अर्श होगा इन आर्ष रोग में आप इसका सेट से बात। ठीक है, जो अपन सेक के लिए प्रयोग करते हैं जब आर्ष रोगी को आर्ष पेनफुल हो और स्वेलिंग ज्यादा हो तो हम उसको सेट्स बात करवाते हैं। ठीक है, जनरली टंकण वस में करवाते हैं, पर अगर आप सेट्स बात अग्निमंत्र को आपने करवाएं तो उसके लिए और भी बेनिफिशियल रहेगा। इन वसा में एंड में मूल क्वाथ इज गिवन इंटरनली। ठीक है, जो वसा में जो एक मधुमेह का टाइप है वो अगर ऐसा है तो आप दे सकते हैं इंटरनली। ठीक है, इसके मूल का काढ़ा बना के इंटरनल आप प्रयोग करवा सकते हैं। इन शीत में एंड उदर द मूल चूर्ण इज गिवन विद कृत। ठीक है, शीत पित्त के अंदर अर्टिकेरिया वाली जो कंडीशन है, और उदर है, ठीक है, उदर भी एक स्किन डिजीज है, तो इसकी मूल चूर्ण को घृत के साथ देना चाहिए। ठीक है, ये इसके थेरापेटिक यूजेज है, और डोज देखिए हम, तो चूर्ण की 1 से 3 ग्राम तक की मात्रा है, इसको आप प्रयोग कर सकते हैं डोजेस के अंदर 1 to 3 ग्राम्स के अंदर। स्वरस है 10 to 20 ml, इसका आप प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, और फॉर्मुलेशन देखें तो दशमूल वृत्त पंचमूल के अंदर है, दशमूल के अंदर लघु पंचमूल और वृत्त पंचमूल दोनों ही इंक्लूड करके दशमूल बनता है। ठीक है, तो दशमूल अभिष्ट जो आता है उसके यहाँ एक कंटेंट अग्निमंत्र भी होता है। ठीक है, ऐसे ही नारायण तेल है उसके अंदर भी अग्निमंत्र डालता है, और गोरोचना की बटी आती है, ठीक है, उसका भी इसमें प्रयोग कर दिया जाता है। इस तरह से हमने दो प्लांट देख लिए, फर्स्ट इज अग्रु एंड सेकंड इज अग्निमंत्र। एक क्विक रिकैप भी देख लेते हैं इसका फटाफट। ठीक है, तो अग्रु है सबसे पहले, तो बॉटम के लिए एग्रुरियल एग्रोच है, हमने फाइनलीसी है। ठीक है, कुल इसका अग्रु कुल है, रेफरेंस में हम देखिए इसको तो शीत पुष्पन के अंदर, स्वांसर के अंदर और शिरो विरोचन, शिरो विरेचन के अंदर और तिक्त स्कंद के अंदर इसको रखा है। सुश्रुत ने इसको एलादि और सांसारिक भाव के अंदर रखा है। ठीक है, शिरो ने उसमें अग्रु है, लोभ है, कर्मी चक्र है, प्रवर है, दाजा है, वंशिकन है, योगजन है, शीत संचमन है, एलोयोग ईगल। हैबिटेट में इसका ईस्टर्न हिमालय आसाम अदर हिल रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्ट। हैबिटेट हैबिट देखिए, इसका स्वरूप देखिए तो लार्ज ट्री एवरग्रीन ट्री है ये। प्रॉपर्टीज में रस इसका कटु दिख है, और इसका लघु रुक्ष दिख है, वीर्य इसका उष्ण है, विपाक इसका कटु है, दोष कम तो नहीं तो एक अफवाह शामिल रहेगा। फार्माकोलॉजिकल एक्शन में बच्चे है, कमिंग है, शीत संचमन है,
का सुगंधी होते जाते काम में। चरक मेंशन अग्रो ही शीतल कर लेता, ठीक है। डोजेज आपने देखी इसकी, जो 1 से 2 ग्राम तक, और ही 1 to 2 ड्रॉप। फॉर्मूलेशन अग्रवादी तेल इसका फॉर्मूलेशन से इतनी बनता है। तो प्रेम ना म्यूक्रोनेटा याद रखना है, या फर्मना सेरेटोपोलिया जो आपको मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो शोध है श्री कृष्ण अन्वाष्ण मृत पंचमूल अग्रवाचन उसमें अग्नि अंतर जय शाह खाना गंगाली का जया जयंती तत्कन्या देवी व्यक्ति शतु विभूषण प्रभात है और पटुस्तो दोग मधुर है, ठीक है। अग्नि मंत्र है डास्टिक वर्क यूज टू प्रोड्यूस फायर। चेत श्रीपर्ण है सर, वीडियो को लीज है, गणकारी का है कपिल सिद्ध नेचर, ये वात अग्नि अरण्य तरकारी वैजयंती का वेग एंड भाव प्रकाश निघंटु ने एक ही भेद माना है। तो जो भूषण घंटु तो लघु मंत्र है, बृहद अग्नि मंत्र है, लघु मंत्र क्लियोडेंड्रम फ्लेमाइडिस है, लघु वाला फ्लेमाइडिस और बृहद अग्नि मंत्र प्रेरणा एंटीग्री को लिया है। और जो CCRS है उनके जो एडिशन है स्टैंडर्ड नॉमिनेशन ऑफ फाइव डिफरेंशियल है 1990, इसमें प्रेम ने सेल्फ ऑफ इंडिया को उन्होंने लेने के लिए कहा है, ठीक है। तो इसका रस कटुतिक पेशा है, लघु वृक्ष और वीर या उष्ण है, ठीक है। और विपाक कटु है, मांस मांस शामक है, फार्मेकोलॉजिकल रिएक्शन है, ये सारी जो अपने डिस्कस की शोध है, बकवास है। अग्नि मंडे और राम बाबू योजना शक्कर शून्य शक्कर सभी ने आपको यूज करना है। डोजेज इसका 1 to 3 ग्राम रहेगा, 16 से 20 ml आपको यूज करना है। फॉर्मूलेशन का 16 है, नारायण तेल है और गोरस में भी है, दोनों ही आपके सिलेबस के इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। आप इफ यू हैव एनी क्वेरी विद माय चैनल प्रोफेसर आई विल रिजॉल्व इट सो आई गिव यू